हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी प्याज, शिमला मिर्च और पनीर का सुपर सुपर टेस्टी पनीर मसाला। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट के सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। क्योंकि इसके लिए कुछ खास मसाले तैयार करेंगे जिससे आपका सब्जी बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार होंगे। कम समय और कम मेहनत में इसे बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मसाले तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज का प्याज और इसे बारीक पीस में कट कर लेंगे। तो आपसे जितना बारीक हो पाएगा उतना बारीक इसे कट कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों प्याज को कट कर लिए हैं और यहाँ पर लेंगे 2 लाल टमाटर और इसे भी कट कर लेंगे। टमाटर को मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ पर लेंगे 7 से 8 लहसुन के कलियाँ। इसे हम पीस कर या कूट कर नहीं डालेंगे, साबुत ही डालेंगे। 4 हरी मिर्च लेंगे, बीच में चीरा लगा दिए हैं और इसे भी साबुत ही डालेंगे। तो मसाला तैयार कर लिए यहाँ, आज के सब्जी कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर को अच्छे से गर्म कर लिए हैं। इसमें लेंगे सरसों तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 2 तेज़पत्ते, 2 खड़े लाल मिर्च और 1 बड़े इलायची और 2 लौंग और 1 दालचीनी के टुकड़े डाल लेंगे और इसे 5 से 6 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है तेल में अच्छे से चले जाएंगे। यहाँ पर जो प्याज को कटिंग करके रखे थे इन्हें डाल लेंगे। तो मैंने सारे प्याज को डाल लिए हैं और तुरंत बाद लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल लेंगे क्योंकि इन्हें भी हमें सॉफ्ट करना है, तो साथ में इनका भी भुनाई करेंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। उससे पहले इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे क्योंकि नमक डालने से प्याज और लहसुन मिर्च है जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर को कट करके रखे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं क्योंकि इन्हें भी हमें सॉफ्ट करना है, तो साथ में भी इनका भी भुनाई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं और 1 से 2 बार इसे चला लिए थे तो हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे और 1 छोटे चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और 1/2 चम्मच इसमें डाल लेंगे काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले डालते समय मैंने गैस का फ्लेम लो रखे थे और लो फ्लेम पर सारे मसाले इसमें ऐड किए। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने 1-2 चम्मच पानी डाल, तो इसमें पानी डाल लिए हैं और करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें इसलिए पानी डाले हैं क्योंकि इसमें 2 सीटी लगाएंगे, जो हमारे खड़े मसाले दिख रहे हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने कुकर का लिड लगा दिए हैं और इसमें 2 सीटी आने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक इसमें सीटी आएगा तब तक यहाँ पनीर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम पनीर और इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं। तो हमें ढाबे स्टाइल सब्जी बना कर तैयार करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी डाल लिए हैं और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लिए और यहाँ पर लेंगे 1 फ्राई पैन और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्राई पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिए हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डाल लेंगे। तो तेल के साथ बटर डालने से जो बटर है जलते नहीं है और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप तेल या बटर में इसे बना सकते हैं, लेकिन बटर डालने से काफ़ी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होते हैं। और जो पनीर को तैयार करके रखे थे इसे डाल लेंगे। तो मैंने सारे पनीर को डाल लिए हैं और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और हल्के हाथ से इसे पलट लेंगे। फ्राई करके पनीर बनाने से हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और दूसरे ये जब ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिखरते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर को फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। बस इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में।
इसी फ्राई पैन में वापस से थोड़ा सा तेल डालेंगे और यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिए हैं और इसे इस तरह से कट कर लिए हैं, तो इन्हें हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिए हैं, इन्हें भी कट कर लिए हैं इस तरह से और इन्हें भी डालकर साथ में भूनेंगे। अगर आप शिमला मिर्च या प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो इस जगह में फ्रेश मटर या फ्रोजन मटर ले सकते हैं और इन्हें 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक भून लिए हैं और इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में। यहाँ पर कुकर में भी 2 सीटी आ गया है, तो इसका लिड हटाकर इसे भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और जो खड़े लहसुन और टमाटर प्याज दिख रहे हैं, इसे एक मैशर से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिए हैं और जो टमाटर लहसुन प्याज दिख रहा था वो अच्छे से गायब हो गए हैं, आपको कहीं पर नज़र नहीं आएंगे। अब ढाबे स्टाइल सब्जी बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसमें दही जाएगा ही और दही डालने से काफ़ी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही फ्रेश घर के बनाए हुए लिए हैं और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। और मसाला अभी ठंडे हैं तो दही फटने का कोई चांस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मसाले में दही को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। आप गैस को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर जो हम मसाले की भुनाई करते हैं काफ़ी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होते हैं और मसाले भी अच्छे से भुन जाते हैं। यहाँ पर 2 मिनट तक मसाले को अच्छे से भुनाई कर लिए हैं और मसाले जो अच्छे से पक गए हैं तो फ्राई किए हुए पनीर और शिमला मिर्च प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च प्याज और पनीर डाल लिए हैं और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक हमें इसमें ध्यान से डालेंगे क्योंकि पनीर में भी नमक है और प्याज में भी नमक है, तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लिए हैं। हमें थिक सा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ के साथ आप इसे सर्व करने वाले हैं, रोटी चावल चपाती या पूरी के साथ, इसके हिसाब से इसका कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए अगर इस तरह से एक बार सब्जी आप बनाकर खा लिए तो होटल रेस्टोरेंट का सब्जी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होते हैं। आपको कभी भी पनीर का सब्जी खाने को मन करेगा आप इसे घर पर तैयार करके खाएंगे। इसमें थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी डाल लेंगे और इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच पनीर मसाला, आप अपने पसंद के यहाँ मसाला ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गए हैं, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।